और ये जानते ही उत्तर प्रदेश की आज दिन भर से लेकर रात तक के सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों और महत्वपूर्ण फैसलों को। उससे पहले वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अयोध्या राम मंदिर लोकार्पण समारोह की शुरुआत, दीपोत्सव से जलेंगे 21 लाख दीपक। जी हां, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन भरत कुंड में जनसभा में कहा कि राम मंदिर लोकार्पण समारोह की शुरुआत दीपोत्सव से होगी। बताने की अयोध्या में 21 लाख दीपक जलेंगे, हर घर हर घाट हर कुंड में जलेंगे दीप, अब इसे तैयारी का आह्वान किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगले वर्ष हमारे राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या में भारत कुंड में जनसभा में योगी ने आह्वान किया, वहीं 2024 को मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मांस खाने और शराब पीने पर लग सकता है प्रतिबंध, सीएम योगी ने दिए संकेत। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसके उद्घाटन की तारीख भी सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या में मांस और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रही है। सीएम योगी ने आज अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि यह एक धार्मिक नगरी है, इसलिए जन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, यहाँ मांस और शराब का सेवन प्रतिबंधित होना चाहिए। क्या दोस्तों आपका भी यही मानना है तो कमेंट में जरूर बताएं। सपा सरकारी तंत्र से करती थी बवालियों का संरक्षण, बाराबंकी में बोले भूपेंद्र चौधरी। जी हां, बता दें कि बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व कद्दावर नेता भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल में सिर्फ धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने जैसे ऐतिहासिक कार्य ही नहीं किए बल्कि आतंकवाद का खात्मा भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उनके कदम से कदम मिलाकर प्रदेश का विकास किया और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य किया है। जो सपा सरकार बवालियों को सरकारी तंत्र का संरक्षण दे रही थी उसे उखाड़ फेंका, यही कारण है कि 2017 के बाद कोई बड़े बवाल नहीं हुए यूपी में। वहीं बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मेयो इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंसेज में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर यह बातें कही। उन्होंने यहां तक कहा कि मोदी सरकार ने जो एजेंडा चुनाव में रखा था उसे एक एक करके पूरा करके रहेंगे। उनके ऐतिहासिक कार्यों को देखते हुए जनता फिर आने वाली 2024 के चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। वैसे दोस्तों आप इस बार देश में किसकी सरकार चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में शूटर की सुरक्षा में इतने पुलिस जवान की गिन नहीं सकती, संजीव जीवा केस में विजय की पेशी में कोर्ट बना छावनी। जी आप फोटो में ध्यान से देखें, बताने कि संजीव जीवा के शूटर विजय को लखनऊ जिला जेल में पेशी पर लाते समय आज कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी पुलिस बल तैनात थी। इस दौरान करीब शाम 3:30 बजे विजय को लेकर पुलिस कोर्ट परिसर पहुंची, उसे कड़ी सुरक्षा में पुलिस वाहन से उतारा गया, फिर चारों ओर घेरा बनाकर उसे कोर्ट रूम तक ले जाया गया। घटना के दिन वकीलों ने उसे पकड़ कर काफी पीट दिया था, पुलिस को यह आशंका थी कि उस पर वकील फिर से हमला न कर सकते। वहीं जीवा के खत्म हो जाने के बाद आरोपित विजय यादव उर्फ आनंद की कोर्ट ने 15 जून की सुबह 10 से 17 जून की शाम 5 बजे तक रिमांड स्वीकृत की गई है। भारत नेपाल सीमा पर मदरसों को कहां से आ रहा है फंड, शिकंजा कसने की तैयारी, होगी जांच। जी हां, बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर फैले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। पिछले साल हुई जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अब सरकार ऐसे मदरसों में पढ़ रहे विद्यार्थी पर आय स्रोतों का ब्यौरा जुटाएगी। इसके लिए अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश स्तरीय टीम गठित हो गई है जो अगले महीने दस्तक भी देगी। उत्तर प्रदेश में मोबाइल पर यूटीएस से बनाए रेलवे का जनरल टिकट, जाने स्टेप्स और फायदे। यहां आपको बता दें कि रेलवे में बुकिंग विंडो पर लंबी कतार है तो परेशान न हो, आप अपने मोबाइल पर जनरल टिकट पा सकते हैं, वह अभी झटपट। दरअसल अनारक्षित टिकट प्रणाली यूटीएस का ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें और टिकट पा लें। एक बार टिकट बुक होने पर बिना इंटरनेट के टिकट को ऑफलाइन मोड में टीटी को दिखाया जा सकता है। वहीं डिजिटल तकनीक से टिकट पेपरलेस होगा, साथ ही पर्यावरण के लिए अनुकूल भी होगा। वहीं रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लगने वाली भीड़ को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकी को विकसित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पॉक्सो केस में राहत, पर इन मामलों में मिले सबूत कितनी बढ़ेगी ब्रजभूषण सिंह की जानिए मुश्किल। जी हां, आपको बताने कि दिल्ली पुलिस ने
कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एक तरफ पुलिस ने नाबालिग के शोषण मामले में सबूत न मिलने की बात कही है और ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा हटाने की सिफारिश करते हुए उन्हें राहत दी। दूसरी तरफ कुछ और मामलों में ब्रजभूषण और उनके सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ कुछ सबूत मिलने की बात भी कही है। वहीं पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह खबर दी है। बताने की दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर प्रणव तायल ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला का शील भंग करने के आरोप में सेक्शन 354 और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 354A के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके अलावा उनके खिलाफ सेक्शन 354D के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तेज हुआ मलेरिया का हमला, फिर डेंजर जोन में जा सकता है ये जिला। जी हाँ, आपको बता दें कि मलेरिया संक्रमण ने बारिश से पहले ही हमला कर दिया है। बीते साल की तुलना में इस वर्ष संक्रमितों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। 5 साल बाद मलेरिया तेजी से पकड़ रहा है। आपको बता दें कि मलेरिया मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का फिर से डेंजर जोन में आने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग मलेरिया प्रभावित ब्लॉकों के सभी गांव में स्क्रीनिंग कर संदिग्धों की किट से जांच की जा रही है। बीते 5 सालों में मलेरिया मरीजों की लगातार संख्या घट रही थी। बता दें कि लगातार घटते मरीजों और कम होते पॉजिटिविटी रेट के चलते बरेली बीते वर्ष मलेरिया के डेंजर जोन से भी बाहर आ गया था, लेकिन इस साल अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते साल 12 जून तक जहां मलेरिया मरीजों की संख्या मौज 113 थी, वहीं आज 178 हो गई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने झटके के बाद खेला जाट दाव, विपिन चौधरी को बनाया मेरठ सपा जिला अध्यक्ष। जी हां, जयवीर सिंह के भाजपा में जाने के दूसरे दिन ही प्रदेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा ने एक बार फिर से जाट काट खेलते हुए रजपुरा निवासी एवं शिवपाल यादव समर्थक विपिन चौधरी को जिला अध्यक्ष की कमान दे दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने आज मनोनयन पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले ही विपिन चौधरी शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के 3 साल तक जिला अध्यक्ष रहे थी। वहीं विपिन चौधरी को जाट समाज से आने के साथ ही शिवपाल यादव के कोटे का लाभ मिलना बताया जा रहा है। बताने की सपा के जिला अध्यक्ष रहे जयवीर सिंह ने आज साइकिल की सवारी छोड़कर भाजपा का दामन भी थाम लिया। उत्तर प्रदेश में मायावती के भाई और उनकी पत्नी को 46% छूट पर मिले थे 261 फ्लैट्स ऑडिट में फर्जीवाड़े का खुलासा। जी हां, मायावती का फर्जीवाड़ा भी खुल गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में उनके भाई और भाभी को गलत तरीके से 46% छूट पर नोएडा के अपार्टमेंट में 261 फ्लैट आवंटित किए गए थे। बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस ने आधिकारिक रिकॉर्ड की पड़ताल कर इसका खुलासा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रियल स्टेट फॉर्म लॉजिस्टिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा स्थित उस अपार्टमेंट को डेवलप किया था। उस अपार्टमेंट में तत्कालीन मुख्यमंत्री के भाई और भाभी को धोखाधड़ी और अंडर वैल्यूएशन कर ये फ्लैट आवंटित किए गए थे। बता दें कि एक्सप्रेस ने लॉजिस्टिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गठन से लेकर इसके दिवालिया होने तक के 12 वर्षों की घटनाओं और 2023 में इसके कागजातों की फॉरेंसिक ऑडिट तक के कागजातों को खंगाल कर ये खुलासा किया है। उसके मुताबिक इस कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी, जब मायावती ने प्रचंड जीत दर्ज कर 2007 में राज्य की बागडोर संभाली थी। उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क, रेल कोच रेस्टोरेंट जाने कब और क्या होगी लोकेशन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट आगरा में खुलने वाला है। बता दें कि आगरा कैंट स्टेशन रोड स्थित पार्क और रेस्टोरेंट में आगरा के लोगों को रेलवे के हेरिटेज की जानकारी के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। वही जुलाई माह में शुरू होने जा रहे पार्क और रेस्टोरेंट काम तेजी से चल रहा है। वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड ईदगाह बस स्टैंड जाने वाले चौराहे पर रेलवे की खाली जमीन पड़ी थी। यहां पर उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क आकार लेने लगा है। 2000 वर्ग मीटर जमीन पर रेलवे ने बीते वर्ष रेल कोच रेस्टोरेंट बनाने का फैसला किया था, जो अब पूरा करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में मां गंगा की आरती करने वाला विभू ने पास की नीट, सीएम योगी ने दी बधाई। जी हां, जब हौसले बुलंद हो तो सफलता की इबारत लिख जाती है। इसमें भी संस्कारित और अनुशासित जीवन शैली हो तो सफलता अपने आप ही कदम चूमती है। बताने की कछला के गंगा घाट पर आरती करने वाले विभू उपाध्याय ने नीट की परीक्षा पास कर सफलता की ऐसी ही प्रेरक इबारत लिखी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभू उपाध्याय को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने विभू की सफलता को संस्कारित और अनुशासित जीवन की उपलब्धि भी बताया।
विभु का कहना है कि गंगा की आरती से जुड़ने से वह अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ने का आभास होता था। उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़ना अच्छा लगता है। विभु ने नीट में 720 में से 622 अंक प्राप्त किए हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक 17,324 है। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन पर रुकना होगा सुविधा भरा, 100 रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय होंगे हाईटेक। जी हां, बता दें कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यात्री सुविधाएं लगातार बढ़ाने में लगा है। करोड़ों रुपए खर्च कर बड़े रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत छोटे रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न और अपडेट किया जाने लगा है। इसी के तहत उत्तर मध्य रेलवे के 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। इन रेलवे स्टेशनों के यात्री प्रतीक्षालय हाईटेक होंगे। वही VVIP और सामान्य प्रतीक्षालयों में यात्री के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी है। बजट आवंटन के बाद टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अल जजीरा की फिल्म इंडिया हु लिट द फ्यूज के प्रसारण पर रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दरअसल आपको बताने की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कतर दोहा के न्यूज चैनल अल जजीरा द्वारा प्रस्तावित फिल्म इंडिया हु लिट द फ्यूज के प्रसारण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि याचिका का निस्तारण होने तक फिल्म का प्रसारण न होने दिया जाए। साथ ही फिल्म के कंटेंट की भारत के कानूनों के तहत कड़ाई से जांच करने के बाद ही प्रसारण का सर्टिफिकेट दिया जाए। बताने की कोर्ट ने अल जजीरा चैनल को भी नोटिस जारी कर याचिका पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास गुल हो रही सबसे ज्यादा बिजली, एक दिन में 31,000 शिकायतें। जी हां, उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी से लोगों को निर्बाध बिजली देने के दांव की हवा टोल फ्री नंबर 1912 पर आ रही शिकायतें खोल रही हैं। दरअसल लखनऊ और आसपास के जिलों में सबसे खराब स्थिति है, यहां सबसे ज्यादा बिजली गुल हो रही है। वहीं आज बता दे तो इन जिलों में बिजली कटने की 16,290 शिकायतें आई, जिनमें ट्रांसफार्मर जलने, फूकने और खराब होने की 980 शिकायतें थी। स्थिति में पूरे प्रदेश से 1,912 पर 31,114 शिकायतें अब तक आ चुकी हैं। पाक किसान ने भारतीय वैज्ञानिकों से मांगे चावल की उन्नत किस्म के बीच BHU प्रोफेसर जानिए जवाब। जी हां, बता दें कि पाकिस्तान का किसान होने का दावा करने वाले रिजवान ने कथित तौर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और कृषि वैज्ञानिक श्रवण कुमार सिंह से फोन पर चावल की उन्नत किस्म मालवीय मनीला सिंचित धान 1 बीज की मांग की, जिसे सिंह ने देने से इनकार कर दिया है। धान की उन्नत यह किस्म BHU और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के सहयोग से विकसित की गई है। क्या दोस्तों हमारे भारतीय वैज्ञानिक श्रवण कुमार सिंह ने सही किया, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के बरेली के मौलाना बोली, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे धीरेंद्र शास्त्री, दर्ज किया जाए देशद्रोह का मुकदमा। जी हां, जब हिंदुत्व की लड़ाई की बात आती है तो हर लोग यही कहते हैं कि देशद्रोह हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बरेली में दरगाह उस्ताद जमन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद कैफ रजा खान ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर बयान जारी किया है। दरअसल मौलाना ने कहा है कि जो व्यक्ति कभी रोटी के लिए मोहताज था, भिक्षा मांग कर गुजारा करता था, वह आज करोड़ों की गाड़ी में कैसे घूम रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर मौलाना ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बाबा का न तो कोई कारोबार है न ही नौकरी, यह कृपा बालाजी की है या भक्तों की। आगे कहा कि मूर्ख बनाने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है। क्या दोस्तों मौलाना का इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री का अपमान करना सही है, कमेंट में जरूर बताएं।